रणवीर सिंह की न्यूड फोटो शूट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई के चैम्बूर थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। उन पर महिलाओं की भावना को आहत करने और गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप है। रणवीर पर इंडियन पिनल कोड की धारा 292, 293, 509 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67A के तहत दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत रणवीर को तकरीबन 7 साल की कैद हो सकती है। गौरतलब है कि IT एक्ट की धारा 67A के तहत जो केस दर्ज हुआ है वो गैर जमानती है। इस धारा में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई सामग्री का प्रकाशन करता है जो कि कामुक हो तो ये धारा लगाई जा सकती है। इस धारा में यौन कृत्य वाली सामग्रियों का प्रकाशन या प्रसारण करने के लिए सजा का प्रावधान है। इसके तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद और 10 लाख का जुर्माना लग सकता है, जबकि दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। हालांकि रणवीर की इस फोटोशूट को लेकर इंडस्ट्री में उनके दोस्त लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं। हाल ही में आलिया का बयान सामने आया था और उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह उनके फेवरेट हैं और उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव सुनना और कहना उन्हें पसंद नहीं है। वो उनसे प्यार करती हैं और वो केवल उनके ही नहीं बल्कि हर किसी के पसंदीदा कलाकार हैं। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ प्यार देना चाहिए। हाल ही में इंडस्ट्री में उनके करीबी कहे जाने वाले अर्जुन कपूर ने भी उनको सपोर्ट किया। अर्जुन कपूर ने कहा कि रणवीर सिंह जिस चीज में सहजता महसूस करते हैं वो उसी को करते हैं और इस बात की इज्जत करनी चाहिए। आपको बता दें कि रणवीर सिंह ने भी इस फोटोशूट पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उनका कहना था कि वो 1000 लोगों के सामने भी कपड़े उतार सकते हैं और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रणवीर सिंह के स्टेक पर कहा जा सकता है कि वो अपने फोटोशूट को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्लियर हैं। हालांकि फाइल हुई FIR से उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में रणवीर सिंह इस मामले को किस तरीके से निपटाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। हम अपडेट करते रहेंगे आपको। जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।